Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया। मरने वाला एक आतंकवादी था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमेरिका खुलकर भारत के विरोध में खड़ा हो गया। कनाडा के पास अपने आरोपों के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हरदीप सिंह निज्जर को भारतीय एजेंसियों ने ही मारा है। कनाडा में अमेरिका के राजदूत ने कहा है कि उनके पास फाइव आईज पार्टनर्स के इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। ये फाइव आईज पार्टनर्स क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हर भारतीय को जानना चाहिए, क्योंकि इसी से समझ में आएगा कि आज विश्व में पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ये गठबंधन किया था। कहा गया कि ये पांचों अंग्रेजी बोलने वाले लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए ये आपस में एक दूसरे के साथ गुप्तचर सूचनाएं साझा करेंगे। ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ये पांचों देश व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स या वैस्प ईसाई देश हैं। कुल मिलाकर ये प्रोटेस्टेंट ईसाई देशों का एक ऐसा जातीय संगठन है जो स्वयं को बाकी मनुष्य जाति से श्रेष्ठ मानता है। उनकी ये दादागिरी चलती रहे, इसी उद्देश्य से ये संगठन खड़ा किया गया। मुख्य रूप से इसमें अमेरिका का हित अधिक है। ईसाई मजहब मुख्य रूप से तीन खेमों में बंटा हुआ है। पहला व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, दूसरा कैथोलिक और तीसरा ऑर्थोडॉक्स। इन्हें एक प्रकार से ईसाई मजहब की तीन प्रमुख जातियां मान सकते हैं। इन तीनों के बीच भी प्रभुत्व की लड़ाई चलती रहती है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी इसी का परिणाम है। इस बारे में अधिक जानने के लिए आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। अमेरिका के अतिरिक्त विश्व में कोई भी पावर सेंटर उभरता है तो व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट अर्थात वैस्प समूह बेचैन हो उठता है और उसे पीछे खींचने के लिए षड्यंत्र आरंभ कर देता है। चीन पर नकेल कसने के लिए इन्होंने जापान को फाइव आईज पार्टनर्स का छठा सदस्य बनाने की बात कही थी। व्यवहारिक रूप से जापान कभी भी इसका सदस्य नहीं बन सका। जापान एक तो एशियाई देश है और दूसरे मजहबी रूप से अमेरिका की बिरादरी का नहीं। कोविड के बाद विश्व में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों में भारत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है। चीन समेत तमाम एशियाई और यूरोपीय आर्थिक शक्तियों की हालत खस्ता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की बढ़ती ताकत अमेरिका को खटक रही है। G20 की बैठक के तत्काल बाद भारत पर प्रायोजित हमले तेज हो गए। फाइव आईज पार्टनर्स की थ्योरी इसी कारण लाई गई। अमेरिका का संकट ये है कि उसे भारत का बाजार चाहिए। चीन द्वारा पैदा चुनौतियों से निपटने के लिए उसे भारत का सहयोग भी चाहिए, लेकिन अपनी व्हाइट रेशियल सुप्रीमेसी अर्थात जातीय श्रेष्ठता बोध के कारण वो बढ़ते हुए भारत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने भारत को धोखा दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की हत्या में अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA का नाम सामने आता रहा है। 1965 के युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को भिखारियों का देश कहते हुए गेहूं निर्यात बंद करने की धमकी दी थी। 60 के दशक में अमेरिका ने भारत को जो PL-480 गेहूं बेचा था उसमें उसने पार्थेनियम नाम के विषैले खरपतवार के बीज मिला दिए थे ताकि भारतीय खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाए। आज भी ये खरपतवार किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोग इसे गाजर घास और कांग्रेस घास के नाम से भी जानते हैं। भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन ना पा सके इसके लिए अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाया था। कारगिल युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को सैटेलाइट डेटा देने से मना कर दिया था जिससे पाकिस्तानी घुसपैठ सिद्ध की जा सके।
भारत की कोविड वैक्सीन के विरुद्ध दुष्प्रचार में भी अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ रहा है। स्पष्ट है कि अमेरिका कभी भारत का मित्र नहीं हो सकता। अमेरिका कभी कुछ सकारात्मक करता है तो वो भी अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसका सबूत वे निर्णय और कदम हैं जो भविष्य में अमेरिका द्वारा पैदा की जा सकने वाली चुनौतियों से भारत की रक्षा करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता, अर्थात एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस। सोचिए कभी पाकिस्तान जैसे किसी शत्रु से युद्ध हो जाए तो हम कैसे लड़ते। हमारे पास तो केवल एक सप्ताह का तेल हुआ करता था। कोविड लॉकडाउन के समय भारत ने कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार अर्थात स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स तैयार किए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में चट्टानों के अंदर गुफाओं में तेल का भंडारण किया गया है, जहां 3 महीने की आवश्यकता का तेल सुरक्षित है। पर्यावरण के नाम पर आए दिन अमेरिका और पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाते और तरह तरह की शर्तें थोपते थे। सोलर अलायंस बनाकर भारत ने एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर दी है। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां पर सोलर बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो इसके लिए उपकरण स्वयं बना रहा है, चीन से नहीं ले रहा है। बीते एक दशक में भारत के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु बिजली का योगदान लगातार बढ़ रहा है। अभी ये 6,800 मेगावाट है, जिसे वर्ष 2031 तक 25,000 मेगावाट कर दिया जाएगा। अमेरिका ने इस काम में अड़ंगेबाजी की तो भारत ने फ्रांस को इसमें अपना पार्टनर बना लिया। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का आधा कोयले से होता है। कोयला आयात में होने वाली समस्याएं आज हल हो चुकी हैं, जिससे बिजली घर अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन कर रहे हैं। भारत उस दौर से बाहर निकल चुका है जब बिजली की कमी हुआ करती थी, जबकि इस दौरान खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत लगातार बढ़ती घरेलू और औद्योगिक मांग को पूरा कर रहा है। इसमें बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक अनियमितता को ठीक करने का बड़ा योगदान रहा है। भारत आज रुपए और अन्य गैर डॉलर मुद्राओं में विदेशी व्यापार कर रहा है। डॉलर आश्रितता कम करने के लिए भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर अपनी स्वर्ण आधारित करेंसी लाने जा रहा है। नकली करेंसी की समस्या आज लगभग समाप्त हो चुकी है। अमेरिकी क्रेडिट कार्ड वीजा और मास्टर कार्ड के स्थान पर भारत ने रूपे लॉन्च किया है। UPI और ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के तरीकों से अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता समाप्त हुई है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि वर्ष 2011-12 में जब यूरोप में आर्थिक संकट था, तब सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के माध्यम से $10 अरब की सहायता की थी, जबकि ठीक उसी समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इस निर्णय की तुलना वर्ष 1943 में बंगाल में बड़े अकाल से की जाती है, जब भारत के लोग भूखे मर रहे थे लेकिन देश का अनाज ब्रिटेन के लोगों के लिए भेजा जा रहा था। हमारा असली युद्ध चीन या पाकिस्तान से नहीं, बल्कि पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों से है। मोदी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति में ये समझ स्पष्ट झलकती है। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र इसलिए भारत में अपनी कठपुतली सरकार चाहते हैं, जिसकी आर्थिक नीतियां देशवासियों से अधिक पश्चिमी देशों के हित में हों। जब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं, आप मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने इसी रणनीति पर काम किया है। इसी का परिणाम है कि 5 आईज पार्टनर जैसी ईसाई साम्राज्यवादी शक्तियां तिल मिलाकर सामने आ रही हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं।
हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।